बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। भाई, हम लोग इस वादी में तलाश करेंगे। इस वादी के कितने रास्ते हैं? इस वादी के 2 रास्ते निकलते हैं, एक बाजंतीन की तरफ और दूसरा सरहद की तरफ जाता है। हम 2 टुकड़ियों में बट जाएंगे। गुंदोग तू को पकड़ लेंगे हम। सिर्फ शाहीन को पकड़ना काफी नहीं, हमें घोंसले में मौजूद शाहीन के बच्चों को भी खत्म करना है। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। वालिदा, दुर्गुत, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सरदार कहाँ है? अर्तुरुल सरदार को दुश्मन ने यरगमाल बना लिया है। बाबा, किसने किया है ये सब कुछ? बेबुलाद ने। वो बदबख्त तो मर चुका था ना? ये सब बेबुलाद ने किया है। नहीं सलजान खातून, मंगोलों के साथ मिलकर उसी ने हमला किया था। जिसने भी ये वार किया उसने ऐसा कारी जख्म लगाया है कि ये शदीद अजियत में मुब्तिला रहे। बेबुलाद मलून ने किया है। ये बात तुम्हें नहीं बताऊंगा, आरिक बुका को बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो तुम इसे भी मारने की कोशिश करोगे, जैसे तुमने अलनचक की जान लेने की कोशिश की थी। सरदार की तलाश में फौरन रवाना हो जाएं और कबीले की खवातीन जंगी निजाम को तरतीब देके तलवारें तेज करके अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। दुरुस्त और हक बात खंजर की धार की तरह तेज होती है। वो तीर जो तुमने उस पे चलाया उसने मेरे दिल को जख्मी किया। लेकिन सही किया। और अर्तुरुल सरदार को भी यरगमाल बना लिया दुश्मन ने। किसने किया ये सब कुछ? अलबास्ती ने। हमारे सिपाहियों ने खबर दी है कि काई कबीले के सिपाहियों को जंगल में देखा है उन्होंने। मेरा भाई कुंदुक्तू, वो शिकार जो मेरे पास खुद चलकर आ जाए मुझे बहुत पसंद है। चलो आप उसके लिए निशान छोड़ देते हैं। तुम्हारा खून आलूद कपड़ा। दरअसल जिसे तुम रियासत समझते हो उसने हमें बीच मंझधार में छोड़ दिया। अर्तुरुल, भेड़ियों के इस रेवड़ की कोई शेर नुमाइंदगी नहीं कर सकता। अलबास्ती, गफलत और गद्दारी का जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है, तन्हा हो उस रास्ते पर, इसीलिए तुमने इन कीड़ों का सहारा लिया। लेकिन ये बात याद रखना,
तुम्हारे साथ दुनिया की कोई ताकत भी मिल जाए तो भी तुम हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकोगे। आखिर कौन हो तुम अर्तुरुल? कौन सी ताकत है तुम्हारे पीछे? बिच्छू है यहां, बिच्छू आ रहा है यहां। तुम्हें कैसे पता चला कि यहां बिच्छू है? ताकतवर होने के लिए मजबूती की नहीं एहसास की जरूरत होती है। इतना एहसास कि नींद में भी बिच्छू की हरकत महसूस कर सको। गो के तेंगरी ने अपनी इस जहरीली मखलूक में भी हमारे लिए फायदा रखा है। यह बिच्छू भी हमें फायदा पहुंचाएगा। आपके हुक्म की तामील हो गई है जनाब। शफक फूटने के बाद खूनी दावत हमारी मुंतजर होगी। इस बिच्छू को ले जाओ और इसका जहर निकालो। कुंदुगतु के आने पर यह मेरे लिए करामत होगा। तुम्हारे भाई से मुलाकात में थोड़ा ही वक्त रह गया है अर्तुरुल। तुम्हारे पास अलनजक से मुलाकात में बहुत कम वक्त रह गया है। सुबह होते ही हर तरफ सुर्खी फैल जाएगी। मैं जानता हूं कौन अपने खून में डूबेगा, इसका फैसला हो जाएगा। दुरुस्त, लेकिन तुम ये देखने के लिए नहीं रहोगे। सुबह होते ही तुम इसे लेके निकल जाओगे और खुफिया गार में ले जाके मेरा इंतजार करना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी यहां मौजूद रहो। मैं गुंदोगदू को पकड़ के वहां ले आऊंगा। क्या तुम अब भी अपनी जबान नहीं खोलोगे अर्तुरुल? खोल दो ताकि तुम्हारे भाई को भी इस अजियत से ना गुजरना पड़े। कोई ऐसा नहीं जो मेरी जबान खुलवा सके। तुम्हारी दी हुई कोई भी अजियत मुझे शिकस्त नहीं दे पाएगी। कब तक खुद को तसल्ली दोगे? तुम्हारी नींद ही तुम्हें शिकस्त दे देगी। मेरे अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमें रास्ता दिखा दे मेरे मालिक। हमें वो रास्ता दिखा दे जो हमारे भाई तक जाता हो। भाई भाई मेरे भाई, नहीं नहीं, कहीं कोई सुराग नहीं मिला, कोई निशान नहीं है। कैसे ढूंढे अपने भाई को,
कहां तलाश करें हम? बंसी, गंदोक तो भाई, हम बस तारीकी में चलते जा रहे हैं। जानता हूं हम हथियार नहीं डालते, ये हमारी रिवायत नहीं ले, लेकिन हर तारीकी के बाद सुबह के उजाले जरूर नमूदार होते हैं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उम्मीद। कोई आ रहा है भाई। गुंदू सरदार को निशाना मिल गए हैं। शुक्र है, शुक्र है। तो फिर हमें फौरन चलना चाहिए भाई। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उजाला जरूर होगा। इंशाल्लाह, चलो आ जाओ जवानों। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون صدق الله العظيم. खुशामदीद तुर्गुत।
ये कौन सी जगह है? मैं कहां हूं मोहतरम? ना तो करीब हो ना ही दूर, ना गुजरे हुए कल में ना आने वाले कल में, ये वक्त है तुर्कत। आप ये गुलाब के पौधे क्यों लगा रहे हैं? वो सिपाही जो शहीद हो गए, हम ये गुलाब के पौधे उनके लिए लगा रहे हैं। क्या मैं शहीद हो गया हूं मोहतरम? शहीद शाहिद के लिहाज से, अगर तुम नहीं जानते कि तुम किस बात के शाहिद हो तो तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। जब किसी बात के शाहिद होते हैं आप, तो आपको किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं रहती। यानी सवाल को तर्क करके आप बारगाहे इलाही में अपना मकाम हासिल कर लेते हैं। हर फूल हमेशा पहले कली ही होता है तुर्कुत। इसका क्या मतलब मोहतरम? फूल की जड़ों को पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, क्योंकि फूल को खिलने के लिए एक शफीक हाथ चाहिए और अल्लाह ने ये कांटे उसकी हिफाजत के लिए जाहिर किए हैं। तुम एक जख्मी दिल के साथ यतीम बच्चे थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को मजबूत किया और हक की राह का सिपाही बनाया, और तुम एक सिपाही से सरदार बन गए। इस सबसे ज्यादा हर जुल्म और जालिम से जंग करने वाले गाजी बन गए। जंगों का सफर अभी जारी है, सर उतारने के लिए जालिम अभी बाकी हैं। अल्लाह के मकसद के मुखालिफ जब बहुत से बुरे हाथ बढ़ने लगे, तो तुम्हें अपने कांटों से उन्हें शिकस्त फाश देनी है। मैदान जंग में मैंने अपनी तलवार बुलंद रखी, लेकिन इस बार बहुत गहरा जख्म लगा है मोहतरम। कोई जड़ी बूटी, कोई दवा काम न कर सकी मोहतरम। दवाएं, जड़ी बूटियां सब वसीला है तुर्कुत। अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया गया था, वो आग जिसमें फौलाद तक पिघल जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये ना थी। आग हजरत इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई। वो छुरी जो के दरख्त के तने को काट सकती थी, लेकिन अल्लाह की रजा ना थी तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को नुकसान ना पहुंचा सकी। अब जब तक अल्लाह की रजा ना हो तो तुम्हारा वो जख्म तुम्हारी जान नहीं ले सकता। इस तरफ आओ तुर्कुत। यहां से पानी पियो ताकि तुम्हारी जड़ें ताजतम हो जाएं। पानी रहमत है, बरकत है,
ये खुद साफ है और सफाई भी करता है, जिस्म को शिफा देता है। या हई जल्ला जलालहू। हई इसमें शरीफ के माने हर शय को हयात देने के हैं। हई के मुबारक नाम से इसे पियो दुर्गुद। हई के मुबारक नाम से इसे पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हई या रब्बुल आलमीन, ऐ दिन को रात में तब्दील करने वाले, तू ही है जिसने सितारों को कंदीलों की तरह आवेजा किया है। अपनी लामहदूद कुदरत से तू ही है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। हर मुश्किल में आसानी पैदा करने वाले, हर दर्द की दवा बस तेरे ही पास है। तू ही कुल जहां का मालिक है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के जख्मों के लिए शिफा के तलबगार रहे। तेरा मुकर्रब बंदा तुझसे ही शिफा मांगता है, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तेरी जात से कभी भी उम्मीद को कता नहीं किया। उन्हें शिफा अता करने का एहसान तूने किया। तेरे मकसद की खातिर अपनी जान की परवाह ना करने वाले इस बहादुर को शाफी इसमें शरीफ के तुफैल शिफा अता फरमा। तू फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। अपने हबीब पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के सदके हमारी दुआएं अपने लुत्फ से और करम से कबूल फरमा। कबूल फरमा या रब, कबूल फरमा। आमीन। क्या हुआ गुंदूस, क्या मिला है? ताया जान, मुझे बाबा के लिए बांस का टुकड़ा मिला है। सही कहा तुमने, यह हमारा ही बुना हुआ कपड़ा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह उनकी कोई चाल हो ताकि वो हमें गुमराह करके रास्ते से भटका सके। सही कह रहे हैं, जब तक हम इंतहा तक नहीं चले जाते कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने बंसी, हम इंतहा तक जरूर जाएंगे। ظالموں کے سامنے پسپا ہونے سے محفوظ رکھنا، جب تک رضا نہ ہو تیری
ये जान इस बदन से ना निकले। तेरी राह में मुझे मौत की सजा बराबर परवाह नहीं। हमारे शहीदों का इंतकाम लेने की खातिर अपने भाई के खून का हिसाब लेने की मोहलत अता फरमा मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इलबिल के खातून? अंदर आ सकते हो अब्दुर्रहमान सिपाही। घोड़े और सिपाही तैयार हैं? तैयार है इलबिल के खातून, हम कुछ देर में रवाना हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। इलबिल के खातून, आपकी हिफाजत के पेशे नजर आपका कबीले में रहना बेहतर होगा। अगर अलबास्ती यहाँ आया तो लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, आप कबीले में ही रहें। अगर अलबास्ती ने अर्तुरुल सरदार को पकड़ा है तो वो कबीले नहीं आएगा। यहाँ बैठकर इंतजार करना फजूल होगा। मेरा इस मामले में अपनी गिरफ्त मजबूत रखना बहुत जरूरी है अब्दुर्रहमान। गुंदोगदू भाई अपने सिपाहियों के साथ तलाश कर रहे हैं, जो सूरत हाल है उसमें वहां आपका जाना खतरनाक हो सकता है। चाहे अब कुछ भी हो जाए अब्दुर्रहमान सिपाही, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। अर्तुरुल सरदार ने हमारे कबीले के लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया इलबिल के खातून। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हमें फौरन निकलना होगा। बाजी, आ जाओ सिरमा। बाजी, सिपाही जमा है और घोड़े तैयार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अर्तुरुल सरदार की तलाश में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। जाइए बाजी, अर्तुरुल सरदार को ढूंढे बगैर मत आइएगा। कबीले की फिक्र मत कीजिए, सब संभाल लूंगी मैं। ठीक है, मैं चलती हूँ सिरमा। सलामती से जाओ मेरी बहन, सलामती के साथ। मोहतात रहना रास्ते में, वो लोग अर्तुरुल को हर तरफ तलाश कर रहे हैं। अगर वापसी में ये जिंदा ना मिला तो तुम्हें मार दूंगा अलबास्ती। बेफिक्र हो जाओ तुम, उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं देख पाएगा अर्तुरुल को। तुम जाओ और गुंदोगदू को ले आओ। चलो सिपाहियों।
मोहतरम, तुम यहां अकेले बैठे हुए किन सोचों में गुम हो उस्मान? बेजार हो गया हूं मैं, अपनी बेजारी दूर कर रहा हूं बस। चलो फिर बताओ मुझे तुम्हारी इस बेजारी का क्या सबब है। बाबा को ले गए हैं वो लोग, वो दुश्मन की कैद में है, कोई खबर नहीं उनकी। तुम्हारे बाबा उनकी कैद में ही होंगे, क्या पता कभी कोई खबर ना आए। हो सकता है तुम्हारे बाबा कभी कबीले भी ना आ सके। आपके कहने का मतलब है कि अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सरदार की गैर मौजूदगी में हम कैसे रहेंगे? तुम्हारे बाबा ने मुबारक राह पर जाते हुए क्या अपने बाबा पर भरोसा किया था उस्मान, या तुम्हारे दादा ने अपने बाबा पर भरोसा किया था? अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया, ना तो उन्हें कोई फिक्र हुई ना ही कोई परेशानी। मोहतरम, तुर्गुत चाचा शदीद जख्मी है, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं क्या करो उस्मान। अजीम मकासिद रखने वाले हमेशा बुलंद मकाम पाते हैं उस्मान। देखो हमने हाल ही में अपने शोहादा को दफन किया है, उन सब का ईमान मजबूत था। अल्लाह की राह में जब कोई ये कहता है कि किसी शय की परवाह किए बगैर मैं इसमें शामिल हूं, तो वो खुद को दुश्मन के खिलाफ सीना सिपर करके जुल्म रोकने की कोशिश करता है। सरदार हमारे साथ हो तो कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वही हमारे लिए काफी है। अल्लाह उस वक्त हमें आजमाता है जब सरदार मौजूद ना हो। बहादुर जख्मी हो तो फिर वो देखता है कि हम अपने कौल में सच्चे हैं या झूठे। हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं या फिर लोगों पर, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने कौल को साबित करें। यह वक्त अफसरदा और खामोश रहने का नहीं, यह वक्त हक की सरबुलंदी के लिए और जालिमों को उनके जुल्म का मजा चखाने के लिए नारा बुलंद करना है। उमरुल्लाह के सरदार भी बुलाद जिंदा है। उन्होंने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुरुल सरदार को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी आंखों में देखो अलबास्ती, इन आंखों में इंतकाम है तुम्हारे लिए। जब मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े करेगी तो इन्हीं आंखों को तुम आखिरी बार देखोगे। रुक तो भाई, यहां पर कदमों के निशान है। ये निशानात बिल्कुल ताजा है बम से। जब तक मेरे जिस्म में ये जान है हार नहीं मानूंगा मैं। इल्बिल्गे, यहां से थोड़ा आगे एक गार है, सारे निशानात गार की तरफ जा रहे हैं लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ मेरे बहादुर, और नीस्त और नाबूद कर दो दुश्मन को। जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ तुम्हें बताना होगा मुझे, वरना मैं खुद उकलवा लूंगा तुमसे। अगर तुम मेरे हाथों से जिंदा बच गए तो